अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल करीम टीवी में खुश आमदीद। डियर व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के पास लेटेस्ट न्यू अपडेट्स लेकर आया हूँ सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, सुबह पंजाब के मुलाजमीन के हवाले से, सूबाई हुकूमत के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। एक लेटेस्ट अपडेट्स है नोटिफिकेशन और कम्प्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो यहां पे यह नोटिफिकेशन शेयर करता चलूं, यह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया 1 जून 2022 को। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा था कि उनके जो ड्यूटी करते हैं मैट्रिक की, एफएससी की या बीए की, जो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं उनको जो पेमेंट दी जाती है, सैलरी दी जाती है, उसमें इजाफा किया जाए, जिसमें सुपरिटेंडेंट हो गया, नायब सुपरिटेंडेंट हो गया, इसके अलावा जितना भी निगरान तबका हो गया या सिक्योरिटी गार्ड हो गया या जितना भी अमला था दर्जा चार का, उन तमाम का यही मुतालबा था। तो इस हवाले से पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अब आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं उनको कितना इंक्रीज़ किया गया है। अगर किसी को 700 रुपये मिलता था तो पहले अब 1000 रुपये या 800 रुपये दिए जाएंगे निगरान को। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दी हुई है, सुपरिटेंडेंट, पेपर मार्किंग करने वाले या उसके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट, कम्प्लीट की डिटेल आप लोगों के सामने है। तो एक लेटेस्ट अपडेट थी जिसकी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। Thanks for watching us.